हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गगन सिरसमा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से एक अनबॉक्सिंग की वीडियो आती रहती है। दोस्तों, आज जो हमने अमेजोन से मंगाया है बहुत ही खास, यूनिक और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ आज हमने अनबॉक्सिंग के लिए मंगाई है। और ख़ासकर ये बच्चों के लिए है, लेकिन इससे बड़े लोग भी आसानी से खेल सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और इस तरह का प्रोडक्ट हमें फेस करने को मिलता है। इस पर मैग्नेटिक जायरो व्हील लिखा हुआ है। जी हाँ, इसका नाम ही है जायरो व्हील और ये मैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें चुंबक होता है, उसी की सहायता से चलता है। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री एनर्जी से चलता है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी नहीं लगती। और इस तरह इस पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये तीन तरह से चलाया जा सकता है, इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए इसे कैसे चलाया जाता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसको कैसे अच्छी तरह चलाना है वो चलाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात तो इसमें किसी तरह की बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें बैटरी लगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ LED ब्लिंकिंग के लिए लगाई गई है, क्योंकि इसमें LED बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिससे रंग बिरंगा लगे। बाकी इसको चलाने के लिए इसमें कोई सी बैटरी की ज़रूरत नहीं है, और इसमें बैटरी को रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें घड़ी वाले डेल पड़ते हैं, पहले जैसे फिंगर स्पिनर आते थे, ये उसी का एडवांस वर्जन है। इसमें बैलेंसिंग बना के चलाना पड़ता है इसे, और इसे लोग घंटों अपना टाइम पास कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं पूरा प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और इसका नाम है जायरो व्हील। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह का इसमें स्टिकर आया हुआ है। और सबसे पहले हमें एक व्हील मिलता है, ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें एक अंदर PCB लगी हुई है और दो LED हमें दिख रही है, यानी कि जब ये घूमता होगा तो इसमें RGB लाइट जलती होंगी। और इस व्हील को हैंडल की सहायता से घुमाना पड़ता है, इसके साथ ही हैंडल आता है। इस व्हील के दोनों सिरों पर ज़बरदस्त मैग्नेट लगा हुआ है। और इस व्हील की बात करूं तो इसमें वजन तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक का है। इसमें वजन तो काफ़ी, वेट काफ़ी है इसमें, और काफ़ी मजबूत प्लास्टिक दी हुई है। तो आइए मैं इसको चलाकर दिखाता हूं। पहले मैं इसका हैंडल आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरह ये स्टील का एक हैंडल होता है, और इस हैंडल से भी दो तरह चला सकते हैं आप। इसको बाहर की तरफ भी चला सकते हैं, और इस हैंडल के अंदर भी इसको चला सकते हैं। देखिए, ये तो बाहर की तरफ मैंने लगाया हुआ है। ओहो, इसमें मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और इसी मैग्नेट की सहायता से ये चलता है, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे इससे घंटों टाइम पास अपना कर सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर की तरफ चलता है, और पहले मैंने बाहर की तरफ दिखाया था। ये देखिए, इसमें जो इसका वेट होता है उसी से इसका बैलेंस बनाना पड़ता है, और ये फिर अपने आप चारों तरफ घूमने लग जाता है। और जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, इसमें RGB लाइट जलने लग जाती है, जिससे ये और भी खूबसूरत लगता है। अभी मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, मैंने भी पहली बार ही इसे छुआ है और देखा है, इसलिए मुझसे भी नहीं चल रहा है। इसे थोड़ा बैलेंस बनाने पे देखिए, मैंने चलाना सीख लिया। दोस्तों, चलाने में बहुत ही आसान है, आप एक दो बार में ही इसे सीख जाएंगे। पर इसमें RGB लाइट नहीं जली है, उसका कारण मैं देखता हूँ क्यों नहीं जली है। ये देखिए, बहुत ही आसान है इसको चलाना, सिर्फ बैलेंस बनाना है आपको। बिल्कुल हल्के हाथों इसको बैलेंस बनाना है, तो अपने आप घूमने लग जाएगा, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आवाज़ अगर बात करें तो इसमें आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, आप ध्यान से सुनना, तो इसमें आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। आगे पीछे आप जैसे मर्जी इसको चला सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से बैलेंस बनाना होता है। ये देखिए, अंदर की तरफ चल रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में इसको ऊपर की तरफ चला के दिखाऊंगा, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बाहर भी काफ़ी अच्छा चलता है। ये देखिए, दोनों सिरों में मैग्नेट है, और मैग्नेट जो स्टील का हैंडल है, स्टील का तो नहीं होगा, लोहे का है, क्योंकि स्टील में मैग्नेट काम नहीं करेगा, लोहा है, लेकिन उसके ऊपर स्टील की पॉलिश हुई है, और उसी की मदद से चलता है।
देखता हूँ लाइट क्यों नहीं चल रही है, इसको खोल के देखना पड़ेगा। दोस्तों खोलने का तो इसमें कहीं जगह नहीं दिख रही है। तो चलिए मैं इसको हाथ से ही घुमा कर देखो। ये देखिए दोस्तों, हाथ से घुमाने पर लाइट मिल गई, यानी इसका मतलब जब ये स्पीड से घूमेगा तभी ये लाइट जलेगी। मैंने हाथ से घुमाया तो ये लाइट जल गई। और ये देखो मैंने इसमें चलाया, स्पीड से घुमाया तब जली लाइट, और बहुत ही अच्छी लग रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, आराम से घुमाते रहो, घंटों घुमाते रहो इसे, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और बच्चे भी इसको आसानी से चला सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बस। देखिए रंग बिरंगी लाइट इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये मैंने अंदर की तरफ चलाया, अभी मैं थोड़ी देर में इसे बाहर की तरफ चला के दिखाऊँगा। दोस्तों ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया है, ये मुझे 300 रुपये का पड़ा है। दोस्तों जब ये शुरू शुरू में इंडिया में लॉन्च हुआ था तब ये काफ़ी महंगा था, तब ये 3000 रुपये का आता था, और आज इसकी कीमत 300 रुपये में हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है और ऐसे ऐसे खिलौने ज़्यादातर चाइना वाले ही बनाते हैं। तो देख लीजिए इस तरह बहुत ही अच्छा खिलौना लग रहा है मुझे भी, और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये देखिए मैं बाहर की तरफ चला रहा हूँ और बाहर की तरफ भी काफ़ी अच्छा चलता है ये। दोस्तों इसे ऐसे चलाते चलाते आप ज़मीन पे भी छोड़ सकते हैं इसको, जैसे ज़मीन पे छोड़ेगा तो ये नीचे गोल गोल घूमेगा। अभी मैं इसको ज़मीन पे भी चलाकर दिखाऊंगा इसको, पहले मैं ये आपको रात के अंधेरे में दिखाता हूँ। देख लीजिए इस तरह से इसकी लाइट ब्लिंक होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको अंदर की तरफ चला कर दिखाता हूँ, पहले मैंने बाहर की तरफ चला कर दिखाया, और ये देखिए अंदर की तरफ, अंदर की तरफ भी काफ़ी अच्छा चलता है ये। दोस्तों ये फ्री एनर्जी के तौर पर चलता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह इसको घुमाने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बैटरी इसमें जो डली हुई है इसमें वो सिर्फ लाइट ब्लिंक करने के लिए हैं। इसमें RGB 2 LED हैं, वो ब्लिंक होती हैं और उसकी बैटरी भी काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। दोस्तों इसमें भी 2 डिज़ाइन आते हैं, 2 मॉडल आते हैं। अगर जो आपको दूसरे डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, मैं हो सके तो अगली वीडियो उसकी बना दूंगा मैं। दोस्तों आपको ये खिलौना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही यूनिक खिलौने की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल में और भी ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो कि यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू है। दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है ये, और इसे चलाना भी काफ़ी आसान है, छोटे बच्चे भी इसको आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों इसके व्हील में काफ़ी वजन है, और इसको भी मैं खोल कर देखूँगा और इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा, और आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इसमें व्हील में काफ़ी वजन है, इसीलिए मैं इसको ओपन करके भी देखूँगा इसके अंदर क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे घर में भी एक छोटे बच्चे हैं और इसको आसानी से चलाना सीख चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट में ही एक गुड़िया, हमारी गुड़िया इसको चलाना सीख गई है अच्छी तरह। ये देखिए, और बच्चे काफ़ी खुश हैं। देखिए मैं इसको नीचे भी चलाकर दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे भी चलाना काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा लगता है ये, काफ़ी देर तक इसको घूमता रहता है। मैंने वीडियो में पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो उससे काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।